हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजी। और आज की वीडियो हम करने वाले हैं यार अपना MySQL इंस्टॉल उबंटू सिस्टम के ऊपर, और मैं यूज़ कर रहा हूँ उबंटू 20.04। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कमांड क्या लिखेंगे हम इसके ऊपर? sudo apt update। तो पहले हम अपनी रिपोजिटरी को अपडेट कर लेते हैं यार। sudo apt update ये वाली कमांड चला लो आप अपने सिस्टम पे भी। ये मुझसे सिस्टम का पासवर्ड पूछ रहा है, sudo पासवर्ड। तो sudo पासवर्ड डाल देंगे अपने सिस्टम का, तो मैंने डाल दिया है और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ रिपोजिटरीज को अपडेट करेगा और मेरी रिपोजिटरी अपडेट हो गई है। इसके बाद जो दूसरी कमांड हम लोग रन करेंगे वो कौन सी कमांड है? उसके बाद हम करेंगे sudo apt install mysql hyphen server। तो ये वाली कमांड लिख लो यार आप भी, sudo apt install mysql hyphen server। ठीक है, ये कमांड आप चला लो एक बार। ये भी कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार अपना सिस्टम कल को एक बार रीस्टार्ट करेंगे कि MySQL की जो सर्विस हमने इंस्टॉल की है उसको हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। तो वो कैसे रीस्टार्ट करते हैं, उसके लिए कमांड लिखते हैं sudo system systemctl स्टार्ट करनी है सर्विस। और मुझे कौन सी सर्विस करनी है स्टार्ट? MySQL की। तो MySQL डॉट सर्विस यहाँ पे टाइप कर दो, और मैंने स्टार्ट कर दी MySQL की सर्विस। अब मुझे यार वर्जन चेक करना है, वो कैसे करते हैं? तो लिखना है MySQL हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, ये मेरा वर्जन आ गया 8.0.31। आप जब इंस्टॉल कर रहे हो सकता है उस टाइम पे अपडेट हो गया हो MySQL और नया वर्जन कोई आया हो तो वो आ जाएगा आपके पास। उसके बाद क्या करना है यार, हमें पासवर्ड सेट करना है अपने MySQL का। तो उसको कैसे सेट करते हैं, उसके लिए कमांड आती है, वो रन कर लेंगे इस यहाँ पे। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को यहाँ पे। ठीक है, अब लिखते हैं sudo MySQL _secure_ installation। ठीक है, ये वाली कमांड रन कर देनी है आपको। तो बेसिकली क्या है, मेरे पास यार MySQL ऑलरेडी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। ठीक है, तो ये मुझसे क्या कह रहा है कि आपके जो रूट यूज़र है MySQL का उसका पासवर्ड लिखो, क्योंकि रूट जो होता है वो डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है MySQL का। ठीक है, आपके में भी रूट यूज़र क्रिएट होगा, तो मैं पुराना वाला जो रूट यूज़र का पासवर्ड है पहले मैं वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने वो एंटर कर दिया। अब ये बोला है चेंज द पासवर्ड फॉर रूट, तो मुझे चेंज करना है। हाँ, मुझे चेंज करना है। आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा? ठीक है, क्योंकि आप अगर पहली बार ही इंस्टॉल कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है कि पासवर्ड को सेट करो। ठीक है, तो वो बोलेगा कि पासवर्ड सेट करते समय पे तीन ऑप्शन देगा। ठीक है, लो मीडियम और हाई। ठीक है, तीन ऑप्शन देगा, तो वो तीन ऑप्शन आपको रन करने हैं। तीन ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करना है। अगर आप लो पासवर्ड सेट करना चाहते हो, मतलब कि आप कोई भी पासवर्ड सेट करना चाहते हो, आप लो सेलेक्ट कर लो अभी के लिए। ठीक है, लो यानी कि जीरो आप वहां पे प्रेस करोगे कि मेरे को लो वाला करना है, तो जीरो प्रेस करोगे तो फिर उसके बाद लिखेगा कि चेंज दी पासवर्ड, तब आपको अपना पासवर्ड डालना है वहाँ पे। तो मेरे को अभी इसने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यस कर देता हूँ, हाँ मुझे चेंज करना है पासवर्ड। आप क्या करोगे, जीरो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, जीरो प्रेस करोगे, तब आपको वो न्यू पासवर्ड डालने का ऑप्शन देगा। तो मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड लिख लेता हूँ अपना, ये डाल दिया। दोबारा से मैं वही वाला पासवर्ड लिख देता हूँ, ये डाल दिया मैंने। अब ये बोला डू यू विश टू कंटिन्यू विद द पासवर्ड यू हैव प्रोवाइडेड। ठीक है, जो मैंने पासवर्ड दिया है उसके साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हो? मैंने बोला यस करना चाहता हूँ कंटिन्यू। उसने बोला ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कुछ दिया है बाय डिफॉल्ट MySQL इंस्टॉलेशन हैज एन एनोनिमस यूज़र। ठीक है, तो ये कह रहा है रिमूव करना चाहते हो एनोनिमस यूज़र को? तो मैंने बोला हाँ, मैं एनोनिमस यूज़र को रिमूव करना चाहता हूँ, येस कर दो यहाँ पे। उसके बाद डिसअलाउ रूट लॉगिन रिमोटली, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, डिसअलाउ कर देता हूँ, येस कर देता हूँ इसको। अभी रिमोट लॉगिन की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन फ्यूचर होगी तो मैं इसी कमांड के थ्रू उसको कर लूँगा दोबारा से इनेबल। ठीक है, और टेस्ट डेटाबेस का एक्सेस को रिमूव करना चाहते हो? हाँ, टेस्ट डेटाबेस नहीं चाहिए। उसके बाद कह रहा है रिलोड करो प्रिविलेज टेबल्स को, जो बाय डिफॉल्ट टेबल्स होती हैं MySQL की, प्रिविलेज वाली टेबल होती हैं, उनको रिलोड कर लो। तो मैंने बोला हाँ, रिलोड करना है मुझे, तो यस कर दो, और यहाँ पे सक्सेसफुली डन हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसके बाद हम दोबारा से क्या करेंगे, अपना स्टेटस चेक करते हैं कि मेरा MySQL जो मैंने इंस्टॉल किया वो एक्टिव है उसकी सर्विस, या फिर नहीं है। क्योंकि सर्विस एक्टिव होगी तभी आप MySQL को यूज़ कर पाओगे। तो उसके लिए कौन सी कमांड है, यहाँ पे लिखना है sudo system curl। ठीक है, सिस्टम CTL लिखना है, फिर लिखना है स्टेटस, और लिखना है MySQL, क्योंकि हम MySQL को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, ये एक्टिव आ गया मेरा स्टेटस और रनिंग है MySQL मेरा यहाँ पे। इसके बाद कंट्रोल सी कर लेते हैं इसको। ठीक है, और इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। अब अपने MySQL को ओपन करके देख रहे हैं कि हमारा MySQL चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, sudo MySQL -u का मतलब था यूज़र। यूज़र कौन सा है, रूट है, आपका भी रूट होगा।
उसके बाद मुझे जो पासवर्ड सेट किया वो पासवर्ड देना होगा। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस पी और फिर एंटर मारेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड जो हमने पासवर्ड सेट किया था। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब यार एक कमांड रन करके देखेंगे कि यार पासवर्ड की जो वैलिडेशन होती है वो MySQL कैसे हैंडल करता है उसको। तो उसके लिए एक पासवर्ड वैलिडेशन की एक टेबल होती है, उसको हम ओपन करके देखते हैं। तो उसके लिए कमांड है शो वेरिएबल्स लाइक वैलिडेट पासवर्ड, ठीक है। ये वाली कमांड आप लिख लो अपने टर्मिनल में, ये MySQL के अंदर आएगी, ठीक है। जब आपका MySQL इंस्टॉल हो गया, आपने MySQL को ओपन कर लिया है पासवर्ड डाल के, तो यहाँ पे आपको ये कमांड रन करनी है। तो मैं इस कमांड को रन करता हूँ, देखो यहाँ पे एक टेबल आ गई, वेरिएबल नेम और वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैलिडेट पासवर्ड डॉट चेक यूज़र नेम ऑन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिक्शनरी फाइल, ये ज़रूरी नहीं है। आपका पासवर्ड की जो लेंथ है वो मैंने, वो मेरी 6 सेट है, मतलब मैं कम से कम 6 डाल सकता हूँ। और अगर आपको क्या करना, अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब आप चाहते हो यार कि ये मेरा पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने 0 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे, ठीक है। तो अब आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, अपने टेबल के अंदर जाके इनको ग्लोबली सेट कर सकते हो। और उसके लिए क्या कमांड आती है, जैसे आपको पासवर्ड की जो लेंथ है वो कम से कम क्या चाहिए, 8 या 10 चाहिए, तो आप उसको यहाँ से भी सेट कर सकते हो। उसके लिए ये कमांड आती है सेट ग्लोबल वैलिडेट पासवर्ड डॉट लेंथ इक्वल टू 6, ठीक है। 6 की जगह अगर आपको 10 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर दो, 10 कर दो और इसको एंटर कर दो। अब मैं शो वेरिएबल्स लाइक वाली जो कमांड थी इसको दोबारा से चलाऊंगा, ठीक है, देखो क्या आएगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो जब आप दोबारा से सिक्योर MySQL वाली कमांड चलाओगे तो ये दोबारा आपका क्या कर देगा, दोबारा से देखो यहाँ पे इसने 10 कर दिया। तो जब आप दोबारा से सिक्योर MySQL इंस्टॉलेशन चलाओगे तो ये आपका 10 कम से कम लेगा पासवर्ड की लेंथ। तो यहाँ पे भी आप जाके सेट कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। आपका MySQL ऑलरेडी यहाँ पे देखो इंस्टॉल हो चुका है। अगर ये आप, ये बस मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये स्टोर करके रखता है MySQL अपने परमिशंस को, वैलिडेशंस को ऐसे करके टेबल्स में स्टोर करता है और यहीं से वैल्यूज उठाता है और चेक करता है कि आपका पासवर्ड कितना। तो इसको नहीं चलाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉलेज के लिए मैंने बताया। आप यहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। अब हम देखते हैं यार क्वेरीज कैसे रन करते हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं अपने MySQL के अंदर। तो वो वाला काम हम कर लेते हैं हम, ठीक है। एक डेटाबेस बना के देखेंगे, टेबल बना के देखेंगे, उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे, सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे, इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे, ठीक है, अपडेट क्वेरी चलाएंगे, ये सारी क्वेरी करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना है यार, अपने टर्मिनल को क्लियर कर लो एक बार, ठीक है। यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं और मैं MySQL पे हूँ इस टाइम पे। अरे सॉरी, ये क्लियर तो नहीं होगा अभी, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो अपना जब भी आप क्या है MySQL इंस्टॉल हो गया, कभी भी आपको क्या करना है, नया टर्मिनल ओपन करना चाहते हो, आप क्या प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट टी से आपका एक नया टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको MySQL वाला प्रॉम्प्ट खोलना है। तो कैसे खोलेंगे, हमेशा जब भी आप सिस्टम ऑन करते हो, नेक्स्ट डे काम करते हो, ठीक है, आपका खुला हुआ नहीं है MySQL, तो उसको कैसे खोलना है, MySQL करना है यहाँ पे, माइनस यू करना है, रूट करना है यहाँ पे, ठीक है, माइनस पी करना है, और जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो याद रखना है, वो आपको पासवर्ड लिख देना है यहाँ पे। तो मैं अपना पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, देखो मेरा MySQL इस तरीके से खुल जाएगा। अब आपको एक, अब देखना यार मेरे MySQL के अंदर डेटाबेस है कि नहीं है, तो उसके लिए कौन सी कमांड है, शो डेटा बेसिस और सेमी कॉलन जरूर लिखना है इसमें, ठीक है। ये देखो इतने सारे डेटाबेस ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास ये डेटाबेस नहीं होंगे, आपके पास कुछ कुछ टेबल होंगी, जैसे कि इन्फॉर्मेशन स्कीमा होगी अगर आपने नया इंस्टॉल किया, परफॉर्मेंस स्कीमा होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास होगा सिस्टम, ये वाली टेबल होगी, और एक MySQL वाली टेबल होगी। तो चार या पाँच टेबल हो सकती है आपके पास, ठीक है, ये डिफॉल्ट टेबल होती है MySQL की। उसके बाद अब क्या करना है आपको यार, आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको नया डेटाबेस क्रिएट करना है, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी कमांड क्या होती है, तो लिख देंगे क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम मैं क्या लिखता हूँ, हम डेटाबेस का नाम कोई भी आप जो प्रोजेक्ट चला रहे हो, तो ई कॉम का अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो मैं लिख देता हूँ ई कॉम प्रोजेक्ट, ये मेरे डेटाबेस का नाम हो गया। आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। अब क्या है मेरे पास, देखो शो डेटाबेस करो दोबारा से, ठीक है, शो डेटा BASES डेटाबेसेस, तो यहाँ पे देखो ecom underscore project करके ये डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, इस डेटाबेस के अंदर ऑपरेशंस करने हैं, क्वेरीज चलानी है, तो उसके लिए करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा इस डेटाबेस को, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट चलाओगे, देखो यहाँ पे मैं सेलेक्ट चला के देखो, सेलेक्ट स्टार सॉरी इंसर्ट कोई भी चलाओ, ठीक है यार, सेलेक्ट, चलो सेलेक्ट चला के दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करो यहाँ पे, तो क्या बोल रहा है, नो डेटाबेस सेलेक्टेड, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा एक डेटाबेस आपको। तो मैं क्या लेता हूँ, यूज़ ईकॉम जो मैंने बनाया था अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, ठीक है, मैंने डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया।
ठीक है। अब क्या इस डेटाबेस के अंदर क्या होती है, टेबल्स होती हैं। जैसे ई कॉमर्स की अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो देखो उसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती है। जैसे प्रोडक्ट होता है, एक टेबल होगी जिसके अंदर की सारे हमने प्रोडक्ट रखे होंगे। कैटेगरी की एक टेबल होगी जिसके अंदर की मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका मैंस हो गया, वुमेंस हो गया, उसके बाद आपके शूज़ की कैटेगरी होगी, उसके बाद आपके क्लोथ्स की कैटेगरी होगी। तो इतनी सारी कैटेगरी को एक टेबल में मैनेज करते हैं। फिर हमारे पेमेंट की एक टेबल होगी। तो चलो एक बार क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट की एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने डेटाबेस को यूज़ कर लिया है, यूज़ डेटाबेस का नाम। इसके अंदर अब टेबल है नहीं हमारे पास, तो टेबल बनाते हैं। शो टेबल्स करेंगे, टेबल देखने के लिए शो टेबल्स करो यहाँ पे। तो देखो एम्प्टी सेट दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर अभी कोई भी टेबल नहीं है। तो हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, क्रिएट टेबल लिखना है इसके लिए। उसका टेबल का नाम दे दो, टेबल का नाम हमें रखना है प्रोडक्ट, ठीक है। आप जो भी टेबल बना रहे हो उसका नाम रखो यहाँ पे। और टेबल के अंदर भी क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। जैसे कि नॉर्मल टेबल्स होती हैं हमारी एचटीएमएल में, उसी तरह से ये भी टेबल है, ठीक है। एक टेबल है बड़ी सी, उसके अंदर कॉलम्स होंगे। सबसे पहला कॉलम हर टेबल के अंदर आप आईडी बनाओ, ठीक है। आईडी और ये होगा इंटीजर टाइप का, ठीक है। इंट 10 दे दो इसको, इंट 10 मैंने दे दिया। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड स्टोर होने वाले तो आप उसके हिसाब से दे दो 20, 30, ठीक है। इसके हिसाब से दे सकते हो। अभी इनिशियली आप 10 ही दो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको ऑटो इंक्रीमेंट बनाते हैं हम लोग। वो क्यों बनाते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको। ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की, प्राइमरी और की लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉमा करके। दूसरा कॉलम कौन सा बनाऊंगा, प्रोडक्ट का नाम होगा तो नेम लिख देते हैं यहाँ पे। ये होगा स्ट्रिंग, नेम जो होता है वो स्ट्रिंग में होता है, वेर कैर कहते हैं इसको। इसका टाइप जो होगा इसमें वेर कैर, क्योंकि देखो पाइथन में अलग डेटा टाइप चलते हैं। पाइथन में क्या चलता है, कैरेक्टर टाइप के स्टोर करने के लिए हम लोग उनको स्ट्रिंग बोलते हैं, और डेटाबेस में हम लोग उनको क्या बोलते हैं, वेर कैर बोलते हैं, ठीक है। और इंटीजर वालों को हम वहाँ पे इंटीजर बोलते हैं, यहाँ पे भी हम लोग इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। और बाकी सारे सिमिलर सही हैं, एक आध चीज़ें वेर कैर वाला ये सब ये चेंज है थोड़ा सा। वहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे वेर कैर है, ठीक है। नेम हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट का हम लोग प्राइस देते हैं। तो प्राइस क्या होता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, फ्लोट भी ले लेते हैं एक, ठीक है। FLOAT फ्लोट ले लिया मैंने प्राइस को। फिर एक क्या होता है, आपका कब ये प्रोडक्ट क्रिएट हुआ, अगर आपको ये भी रखना है टेबल के अंदर कि किस दिन मैंने प्रोडक्ट क्रिएट किया था अपने डेटाबेस में, तो वो रख लो आप यहाँ पे, क्रिएटेड एट, ठीक है ये रख लो। और इसका जो टाइप होगा वो होगा डेट टाइम, ठीक है। ये डेट टाइम इसमें स्टोर होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इनएक्टिव एक रख सकते हो कि आप अगर कभी इनएक्टिव करना चाहते हो, प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे दिखाना नहीं चाहते हो, ये यहाँ से आप चेंज करके भी कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनएक्टिव का एक फील्ड रख सकते हो। इसके लिए हम क्या देंगे, इंटीजर होता ही हमेशा, तो इसके लिए हम टाइनी इंट, मतलब टाइनी इंट जो होता है वो इंटीजर से भी छोटी वैल्यू होती है, क्योंकि इजेक्टिव वाले कॉलम में या तो हम 1 स्टोर करेंगे या 0 स्टोर करेंगे, तो उसके लिए हमें बड़ा कॉलम लेने की जरूरत नहीं है, हम टाइनी इंट ले लेंगे, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। तो इतने कॉलम मैं क्रिएट कर देता हूँ अभी के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसका सेमी कॉलम ऐड करना है यहाँ पे और एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसने एरर दी है मुझे, ठीक है, ये देखते हैं क्या एरर दी। यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स चेक मैनुअल दैट करस्पॉन्ड टू योर एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। राइट सम यूज नियर दिस, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या एरर है इसके अंदर, ठीक है। मैंने क्या करा है कि देखो यहाँ पे क्रिएट टेबल प्रोडक्ट करा, आईडी करा, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की करा, नेम करा, फिर प्राइस करा, फिर क्रिएटेड एट, डेट टाइम इजेक्टिव किया, टाइनी इंट, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, प्राइस में भी ठीक है, वेयर केयर, अच्छा वेयर केयर पे मुझे क्या करना पड़ेगा, साइज देना पड़ेगा कि कितना रखना चाहता हूँ। प्रोडक्ट का नाम हो सकता है यार 200 करेक्टर से भी लंबे होते हैं, अभी के लिए हम 200 ले लेते हैं और इसको एंटर करते हैं। देखो अफेक्टेड रोज 1, तो यहाँ पे साइज देना जरूरी है आपको। वेयर केयर अगर लिख रहे हो और इंट लिख रहे हो तब भी आपको एक साइज देना जरूरी है। तो अब करते हैं हम शो टेबल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की एक टेबल आ गई है हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। डेटाबेस ई कॉम वाला जो डेटाबेस है हमारा, ई कॉम प्रोजेक्ट वाला, उसके अंदर हमारी एक टेबल क्रिएट होगी प्रोडक्ट की, ठीक है। अब देखना है यार इस टेबल के अंदर जो हमने हमारा डेटा है कि नहीं है, तो क्या कौन सी क्वेरी चलाते हैं उसके लिए, सेलेक्ट क्वेरी। डेटा टेबल के अंदर हमें डेटा देखना है तो सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम, प्रोडक्ट और सेमी कॉलन एंटर। तो ये अभी एम्प्टी, इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। अब हमें ये देखना है यार, चलो डेटा मत दिखाओ, हमें कॉलम दिखा दो कि कौन कौन से कॉलम है हमारे डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी कमांड होती है, डिस्क्राइब, DESC लिखना है शॉर्ट में, उसके बाद टेबल का नाम लिख देना है यहाँ पे, प्रोडक्ट। तो ये देखो यहाँ पे मैंने जो भी कॉलम क्रिएट किए थे अभी वो क्रिएट हो चुके हैं। मेरी क्रिएट टेबल वाली जो कमांड थी उससे क्या हुआ, ये टेबल क्रिएट हुई और इसके अंदर ये अभी कॉलम क्रिएट हो गए, लेकिन अभी डेटा नहीं है इन कॉलम्स के अंदर कोई भी, ठीक है। कोई भी डेटा नहीं है इस कॉलम के अंदर, ब्लैंक है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर है, आईडी मैंने इंट बनाया था, इसे प्राइमरी की बनाया था। हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होना बहुत ज़रूरी है, ठीक
ठीक है, और ये प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट है मेरी, ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे मैं वो इंसर्ट करता जाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, वन 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 वन। जैसे मैंने एक रो इंसर्ट करी तो ये वन होगी, दूसरी रो में टू हो जाएगी, तीसरी रो में थ्री हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चलेगी। इसमें मैंने मेरे को वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे करते हैं, अब मेरे को एक डेटा को इंसर्ट करना है, यानी कि एक प्रोडक्ट को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कौन सी कमांड है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है मेरा, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे हमें कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे, भाई मेरे को नेम कॉलम में इंसर्ट करना है, प्राइस भी मेरे को इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्रिएटेड एड भी इंसर्ट करना, आपको सारे कॉलम लिखने की जरूरत नहीं, जितने कॉलम में आपको इंसर्ट करना है उतने भी आप लिख सकते हो, और सारे भी आप यहाँ पे कॉमा कॉमा करके लिख सकते हो। तो मैंने अभी तीन कॉलम लिए, इजेक्टिव वाला मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, वो बाद में करेंगे। फिर मैंने लिखा यहाँ पे वैल्यूज़, वैल्यूज़ के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यू देता हूँ। प्रोडक्ट का नेम क्या है, वेयर केयर है, तो ये स्ट्रिंग में आएगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ रेड कलर टी शर्ट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का नाम हो गया मेरा। उसके बाद मेरा प्राइस, इसका प्राइस क्या है, फ्लोटिंग है, ठीक है। तो इंटीजर में कुछ दो आप, या फिर फ्लोटिंग पॉइंट कुछ दे दो, तो मैं लिखता हूँ 200 रुपये की है ये भाई। उसके बाद मैं क्रिएटेड एट में कैसे दूंगा, क्रिएटेड एट में आपको क्या लिखना है, अभी का डेट और टाइम। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, हम इसको भी हम डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है, कि हम क्या करें, जब भी कोई रो इंसर्ट हो तो ऑटोमेटिकली टेबल के अंदर टाइम क्रिएट हो जाए। तो वो भी हम कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे करते हैं। अभी के लिए हम क्या करेंगे, नाउ लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद मैं इसको चलाता हूँ, देखो वन रो इफेक्टेड होगी, यानी कि एक रो इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं करता हूँ सेलेक्ट क्वेरी, चलाता हूँ, देखता हूँ टेबल के अंदर डेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, प्रोडक्ट है मेरे टेबल का नाम, और सेमी कॉलन एंटर। देखो यहाँ पे मैंने एक रो इंसर्ट करी थी, एक रो इंसर्ट हो गई, एक्टिव मैंने कुछ भी नहीं डाला था, तो यहाँ पे नल आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, एक और रो इंसर्ट करके देखते हैं, यही वाली क्वेरी चला लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, प्राइस इसका 500 कर देता हूँ, ठीक है। रेड कलर मैं लिख देता हूँ गोल्डन वॉच, ठीक है, इसको कर देते हैं हम लोग 245,024, मतलब 24,500 की हो जाएगी ये। उसके बाद इसको मैं एंटर मार देता हूँ। अब देखो हमारे टेबल के अंदर दो प्रोडक्ट हो गए यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ यार कि मेरा जो इजेक्टिव वाला कॉलम है ना, उसे भी अपडेट करना है। तो देखो इंसर्ट क्वेरी से क्या हो रहा है, हर बार नई नई रो इंसर्ट होती जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है, इजेक्टिव मेरा अपडेट नहीं हो रहा। अपडेट करने के लिए हमें अपडेट की कमांड चलानी पड़ेगी, MySQL की अपडेट क्वेरी चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए होता है अपडेट, टेबल का नाम लिखो प्रोडक्ट, उसके बाद सेट करना है हमें कॉलम, कौन सा सेट करना है हमें, इजेक्टिव वाले कॉलम को अपडेट करना है, तो इजेक्टिव लिख दो यहाँ पे।